की पैलेट है, कॉम्बो पैलेट मैंने परचेज़ की है, जिसमें मेरा ब्राउन्जर भी है, हाइलाइटर भी है और मेरा ब्लशर भी है। और ये पैलेट्स भी मैंने आपको दिखा दी, विच इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, फैंटास्टिक एंड फ्लॉलेस। और आप जब भी पैलेट परचेज करें तो आई वांट टू सजेस्ट यू कि जब भी आप पैलेट परचेज करें तो ध्यान रखें कि उसमें ग्लिटरी सेट भी अवेलेबल हो, सो दैट अगर आप नॉर्मल मैटे लुक करते हैं, नॉर्मल मैटे लुक से आप अपना मेकअप करते हैं, तो आप अगर ये ग्लिटरी सेट देंगे तो वो और ज़्यादा शाइनिंग और अट्रैक्टिव लगता है। तो आप इसको पार्टी मेकअप के लिए भी इंक्लूड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट परचेज किया है, विच इज़ वेटलेस एंड मैटे कॉम्पैक्ट। और विटामिन ई भी है इसमें, विटामिन ई वेरी फैंटास्टिक इंग्रेडिएंट फॉर आर स्किन और वेरी हेल्दी इंग्रेडिएंट फॉर आर स्किन। तो ये काफ़ी अच्छा इंग्रेडिएंट है, आपको पता होंगे इसके बहुत सारे बेनिफिट। तो मैं विटामिन ई के बेनिफिट्स मुझे लगता है बताने की नीड नहीं है यहाँ पर मुझको। तो मैंने यहाँ पे फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट परचेज़ किया है और रेवोल्यूशन की मेकअप किट परचेज़ की है, लिप बाम परचेज़ किया है। और अगर आपके पास पैलेट है जिसमें ग्लिटर नहीं है तो आप इस टाइप के ग्लिटर जो हैं ये भी अलग से अवेलेबल होते हैं। मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिया है, तो इसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं सिंगल सेड में, अगर आपको सिंगल सेड में लेने की नीड है देन। और यहाँ पे आईलाइनर मेरे जो हैं ये ख़त्म हो गए थे, और आईलाइनर मेरे पास ऑलमोस्ट काफ़ी सेड्स में रहते हैं और मुझे पसंद है आई से लगाना, तो मुझे गोल्डन कलर में मेरे पास था नहीं तो मैंने इसलिए यहाँ पे परचेज़ किया है।
और प्राइमर अगर आप लगाना चाहते हैं और आपका बजट कम है तो फिर आप एनवी का प्राइमर ले सकते हैं। ये काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है, ये आपके पोर्स जो है उनको मिनिमाइज़ करेगा, टाइटन करेगा, हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को, और काफ़ी ज़्यादा ये ब्लेंडिंग बहुत अच्छी इसकी ब्लेंडिंग हो जाती है, एवरी टाइप ऑफ स्किन के लिए है, तो आप एनवी का यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। और अगर आपका बजट अच्छा है और आप एक अच्छा फाउंडेशन लेना चाहते हैं तो आप रेवोल्यूशन की स्टिक भी ट्राई कर सकते हो, रेवोल्यूशन का फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हो, लगाना देख सकते हो रेवोल्यूशन का, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, और रेवोल्यूशन के सारे ही प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, रेवोल्यूशन एक अच्छा ब्रांड है और आपकी स्किन को इससे कोई भी किसी भी टाइप का डैमेज नहीं होता गाइस। तो ये काफ़ी रिलायबल प्रोडक्ट है और मैंने ये यूज़ किया है, दैट्स आई एम शेयरिंग विद यू हेयर। और है ब्लैकहेड्स रिमूवर की स्टिक की, मुझे थोड़े ब्लैकहेड्स वाइट हेड्स की प्रॉब्लम्स हो जाती है समर के टाइम पे, तो स्क्रब करने के बाद आप इसको घर पे यूज़ कर सकते हो, और अगर आप घर पे क्लीन अप करते हो नॉर्मल तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, आपको ब्लैक एंड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है तो आप इसको लेके स्क्रब के बाद यूज़ कर सकते हो। अगर आपको देखना है कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं। और तो गाइस, और मैंने यहाँ पर ये रेज़र परचेज़ किए हैं, ये काफ़ी अफोर्डेबल हैं, और ये रेज़र आपके तब यूज़ होंगे जैसे कि आपकी आईब्रो के जो हेयर्स हैं, एक्स्ट्रा हेयर्स आ जाते हैं उस पर, और नेक पे, आपके फेसेस पे अननेसेसरी हेयर जहाँ पर भी होते हैं आपके, तो वहाँ वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो। और आप काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये भी, और हेयर की जब तक हमारी ग्रोथ नहीं आती आईब्रो तब तक हम बनवा भी नहीं पाते, तो एक्स्ट्रा जो हेयर्स हैं उनको भी आप इससे रिमूव कर सकते हो, और आपकी अपर लिप्स भी जो है आप इनसे अपनी अपर लिप्स बना सकते हो, अपने हेयर साइड से अपने हेयर्स जो होते हैं उनको रिमूव कर सकते हो। और ये मल्टीपर्पज़ है, आपके फेस पे कहीं भी एवरीवेयर आपके हेयर होंगे उनको आप रिमूव करने के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको पास से क्लोजअप में दिखाती हूँ, ये इस टाइप के प्लास्टिक के प्लास्टिक की स्टिक है, और इस पर ऊपर एक कैप भी लगा मिलता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस टाइप का ब्लेड लगा हुआ है, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और ये ब्लेड भी काफ़ी शार्प है, और इससे आपके इजीली निकल जाएंगे अपर लिप्स के हेयर, आप निकाल सकते हो इससे, और काफ़ी अच्छे है, और ये काफ़ी सेफ़ रहे इसलिए इसमें ये प्लास्टिक का कैप भी यहाँ पर इन्होंने दिया है, जैसे कि इसको रखने में प्रॉब्लम ना हो या इसका रेज़र जो है वो ख़राब ना हो। तो आप आज की वीडियो गाइस इतनी ही थी, मेरे ये जो प्रोडक्ट्स थे मैंने आपको रिव्यू कर दिया है, होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज मैंने पर्पल हॉल से केवल इतना ही सामान परचेज़ किया है, होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।